अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ आहुना मटन और इसका ओरिजिन जो है वो बिहार इंडिया से है। इसको जो है वो चंपारण मटन भी कहा जाता है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है आधा किलो मटन और अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। प्याज जो है वो मैंने 3 दरमियानी लेकर उनको स्लाइस कर लिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून ज़ीरा। तीन अदद मैं इसमें डाल रही हूँ छोटी इलायची। 5 से 6 अदद लौंग। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत काली मिर्चें। 1/2 टीस्पून या हस्बे ज़ायका इसमें जाएगा नमक। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी का पाउडर। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 2 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने जो है वो बीच में से काट लिया था लंबाई में। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने जो है वो चॉप करके उसको फ्रीज़ कर लिया था, इसकी वजह से ये आपको एक टुकड़े जैसा लग रहा है। और अब आखिर में इसमें जाएगा 1/4 कप ऑयल। यहाँ पे मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसको मैरिनेशन के लिए रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है आधे घंटे का तो आप जो है वो इसको उसी टाइम जो है वो बना सकते हैं। इधर मैंने देगची को जो है वो मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा गरम कर लिया था और अब मैं इसमें अपना डाल रही हूँ मटन का मसाला जिसको हमने मैरिनेट किया था। और इसके बाद जो है वो मीडियम फ्लेम पे ही मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी ताकि ये अच्छे से जो है वो इसमें से मटन की स्मेल निकल जाए। यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है और अब मैं जो हूँ इसको रख दूँगी आधे घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। और इसमें जो है वो अभी पानी वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है तो मैं इसमें थोड़ा सा चम्मच चला के फिर इसमें पानी डाल दूँगी। 2 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। वैसे तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसको जो बनाते हैं वो मटके में डाल के कोयलों पे बनाते हैं, लेकिन हमारे पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो हमें पानी डालना पड़ेगा वरना ये जो है वो जल जाएगा। पानी डालकर मैं इसको मीडियम फ्लेम पे फिर से रख दूंगी ताकि जो है वो गोश्त हमारा गल जाए और उसके बाद मैं इसकी जो है वो भुनाई करूंगी। तकरीबन 20 मिनट में इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा, लेकिन आपने इसको बीच बीच में चेक करते रहना है। और जब हमने इसको पहली बार रखा था आधे घंटे के लिए तब भी आप जो है वो इसको बीच बीच में चेक करते रहिएगा। अब यहाँ पे 20 मिनट बाद इसका पानी जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है तो अब मैं इसकी जो है वो भुनाई कर रही हूँ यहाँ पे 5 से 10 मिनट के लिए। वैसे ये डिश बड़ी यूज़फुल है, अगर आपके पास जो है वो टमाटर ना हो या महंगे हो जाए तो हम इसको बना सकते हैं। अब भुनाई के बाद यहाँ पे मैं 2 कप इसमें और पानी डाल रही हूँ ताकि इसकी थोड़ी ग्रेवी भी हो। और अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ 1/2 टीस्पून, ये इसका जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है। और 1 हरी मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ। हरी मिर्च में जो है वो मैंने कट्स लगा दिए थे ताकि इसमें से जो है वो अच्छी सी खुशबू आए। और अब मैं इसको रख दूँगी 5 मिनट के लिए ताकि ऑयल इसका ऊपर आ जाए और फ्लेम मैं इसकी बहुत ही लो कर दूँगी। यहाँ पे आहुना मटन बनके रेडी है और अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप इसमें वो ऊपर से डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी और वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।